तो जी हाँ दोस्तों, हम आए हैं भाई आज डियू। तो देखिए भाई कितना सुहाना मौसम हो रहा है और भाई पेड़ों की छांव देखिए भाई कितना दोस्तों ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और भाई इस ज़बरदस्त मौसम में हमें तो भाई एक चीज़ याद आती है, वो है भाई मैगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी भी कवर करेंगे। ये देखिए दोस्तों ODS, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आए भाई, ये फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज के बाहर लगाते हैं 3 लड़कियाँ। तो भाई बताएंगे इनकी भी क्या कहानी है। और ये देख लो भाई एड्रेस वगैरह, भाई आप देख लीजिए यहाँ पर रोड पहचान लीजिए, फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज के ये यहाँ पर है। आपको रोड भी दोस्तों पहचान में आ जाएगी, बैक साइड है फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज का, आपको दिख जाएगा आप ध्यान से देखेंगे तो भाई। और ये है यहाँ पर भाई 3 लड़कियाँ बैठी है ऑडियंस के सामने। तो चलिए भाई इनकी मैगी तो खाएंगे और इनकी स्टोरी भी जानते हैं भाई क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमारी इन 3 देवियों से इन्होंने कैसे क्या शुरू किया। तो मैम बताइए कुछ, आपने मतलब कैसे शुरू किया ऑडियो, नाम वगैरह कैसे रखा? ये सर हम ना फाइनल ईयर में थे, लाइक मैं पहले बता देती हूँ, वी ऑल आर ग्रेजुएटेड। हम जब फाइनल ईयर में थे उस टाइम हमारी फैमिली सिचुएशन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे थे, सो हमने सोचा उस कि हम कुछ स्टार्टअप करते हैं। एंड उसी टाइम हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही थी, देन हमने फाइनली स्टार्टअप किया मैगी का। अच्छा मैगी स्टार्ट किया। हाँ जी, जिसमें बोलो जिसमें पूरा 2 मंथ्स का हमारा स्ट्रगल रहा है जिस इस प्लेस के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ जो हमने लगाया नॉर्थ कैंपस में हमारा एक भी कॉन्टैक्ट नहीं था, बट स्टूडेंट यूनियन से हमें हेल्प मिली थोड़ी, देन हमें ये प्लेस मिला, देन हमने स्टार्ट किया। तो अभी आप क्या क्या वैरायटी ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? सर ये मैगी का हमारा मेन्यू है छोटा सा, ये आप दिखा दीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 4 तरह की दोस्तों यहाँ पर मैगी मिल रही है, साथ में आपको मिलेंगे राजमा चावल भी मिलेंगे। तो कैसा टेस्ट लग रहा है स्टूडेंट्स को, टेस्ट पसंद आ रहा है आपका? को तो सर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, यही बहुत अच्छी बात है कि उन्हें टेस्ट पसंद आ रहा है हमारा मैगी। ऐसा है कि स्टूडेंट्स दीवाने हैं हमारी मैगी के टेस्ट के, और उसकी स्पेशल बात है हमारा ODS मसाला एंड हमारी सर्विंग जो है, हाँ जी हमारा खुद का क्रिएट करा हुआ मसाला, जैसे मैजिक मसाला, सीक्रेट मसाला, एक्सपेरिमेंटेड मसाला, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंड हमारी सर्विंग जो है वो कुल्लड़ में होती है, जो अट्रैक्टिंग पॉइंट है बिल्कुल। सो हाइजीन एंड सो मतलब बिल्कुल मिट्टी की खुशबू बिल्कुल आती है इसमें। एंड एज यू नो लाइक इसका अगर यूज़ करने का रीज़न हम बताएं, पब्लिक बहुत पूछ रही है कि कुल्लड़ ही क्यों, तो कुल्लड़ इसलिए सर यूज़ किया है हमने क्योंकि एज यू नो एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी का बर्तन, एंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को भी बैन कर रही है। सो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम ऐसा लेकर आए जो हमारी फिर से पुरानी यादों को जिंदा करें। जैसे कि आपको पता है हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो पहले मिट्टी के बर्तनों में ही खाते थे और कैसे हष्ट पुष्ट थे बिल्कुल, तो हम भी चाहते हैं फिर से हमारी जो जनता है, हमारी पब्लिक है, फिर से हष्ट पुष्ट हो और बहुत हेल्दी हेल्दी खाना खाए। सो इसलिए हमने मिट्टी के बर्तनों का यूज़ किया है। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो लस्सी वगैरह मिलते हैं वो भी आप बिल्कुल मथुरा में आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा मिट्टी की खुशबू है और अब हम चाहते हैं कि मिट्टी की खुशबू पूरे भारत में फैले। एक्चुअली आपने क्वेश्चन का आंसर तो कर ही दिया, मैं यही पूछने वाला था कि आप ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं मैगी में, क्योंकि मसाला तो हर कोई डालता है, तो उसमें चलो आपके सीक्रेट मसाले हो गए, तो मतलब सीक्रेट खा के पता चलेगा फिर तो हमें। हाँ जी सर, वो आप तो खा के ही पता चलेगा। मतलब आप ऐसे नहीं बताओगे क्या क्या डाला है? हाँ वो सर सीक्रेट है, कैसे पता चल जाएगा। एंड सर हमारी जर्नी जैसे कि आपने पूछी, जस्ट जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पर परमिशन के लिए ही। एंड देन सर परमिशन मतलब जो हमें स्टूडेंट यूनियन ने हमें यहाँ पर थोड़ी हेल्प की यहाँ पर स्टैंड होने में, उसके बाद में सर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया। सर होता ना गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, किसी ने नहीं। सर लीगल परमिशन के नाम पे चारों धाम की यात्राएं करवाई गई हमसे, बस और कुछ भी नहीं था। फिर वही लास्ट में सब जगह से कंक्लूजन ये था कि आप जो भी करना चाहते हो अपने रिस्क पर करो, तो वही चीज़ थी हमने अपने रिस्क पर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। 3 महीने हो चुके हैं, हम 4th लग चुका है, सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। पहले कार्ड था अब नहीं है, जो 3 महीने में 3 बार तोड़ा गया, अब किसी के पास टैलेंट है तो सर वो रोड पर ही तो उतरेगा। सेम चीज़ थी हमारे पास भी, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएं, तो ये था कि हमें एक स्टार्टअप करना है, चलो रोड साइड से स्टार्ट करते हैं। आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पर हेल्प कर सकते हैं, या तो आप हमें आकर मोटिवेट कर सकते हैं, हमारी मैगी खा सकते हैं। इवन दूर दूर से हमें लोग कॉल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि क्या वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली भी हमें करना चाहे तो प्लीज़ वो भी हमें कर सकता है। तो जी टेंशन ना लो, जनता आपके साथ है, हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी वीडियोस बन रही है वायरल हो, लोग आए, आपको टेस्ट भी पता चले आप क्या ऑफर कर रहे हो। और तो चलिए अब बिना किसी देरी के आप हमें अपना स्वाद तो चखाइए। स्वाद के पहले भी बताना चाहूँगी, हमारा ODS है क्या?
हाँ ये तो हमने जाने नहीं, देखे इन्होंने जो नाम रखा है ये ओम ध्रुव स्टार, तो इसके पीछे का राज तो बताइए सर। ओडियस, ओडियस की फुल फॉर्म है ओम ध्रुव स्टार, ओम यूनिवर्सल साउंड है, ध्रुव पोल स्टार सबसे ज्यादा नियरेस्ट एंड सबसे ज्यादा शाइनफुल तारा। एंड स्टार से हम अपने कस्टमर को डिनोट करते हैं, हमारे लिए हर पर्टिकुलर कस्टमर एक स्टार है, जैसे कहा जाता है भारत में अति देवो भव, तो हमारे लिए हर कस्टमर एक देव समान है। नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आपने मतलब बताया उस नाम का, सर इसका विजन भी है जो भी सर, मतलब ये जो ओडियस है मतलब लोगों का क्या होता है, लाइक मतलब लोग मिडिल क्लास जो बंदा है वो हेजिटेट होता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने के लिए, बट ओडियस सर ओडियस ऐसा होगा जहाँ पे वो जितनी भी जो फूड रिवोल्यूशन चल रहा है जितनी भी वीकनेस है फूड लेन में उनको फुलफिल करेगा, लाइक टेस्ट की कमी, हाइजीन की कमी, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता, तो ओडियस ऐसा होगा सर कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा इजीली ओडियस में जा पाएगा, आराम से बैठ के खुद खा पाएगा, अपनी फैमिली को खिला पाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना होगा ओडियस का, एंड सब बोलेंगे कि चलो आओ ओडियस में बैठ। और सर हमारा विजन सिर्फ एक छोटी शुरुआत है, बट हमारा विजन है नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना। चलो हम भी चाहेंगे और अपना लोगों के मुंह में ना पानी लाते ताकि वो यहाँ पर आने के लिए ना मजबूर हो जाए। तो लीजिए दोस्तों वेज चीज़ मसाला मैगी यहाँ की फेवरेट, यहाँ की स्पेशल लगने जा रही है अपनी। सर आगे हमारा नमक, ये है हमारा सबसे स्पेशल ODS का मसाला, ODS का जो मसाला की पूरी इंडिया में कहीं और नहीं मिल सकता, बिकॉज ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंटेड मसाला है एंड इतना टेस्टी है कि अभी तक जितने भी कस्टमर्स खाकर गए हैं उन्होंने बोला है वाह 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 ऐसे बोल के गए हैं। एंड सर इसकी ये भी स्पेशलिटी है कि मैगी जैसे कि आप जानते हो कि लोग अनहेल्दी बोलते हैं, बट हमारा मसाला इतना हेल्दी है कि मैगी को हेल्दी बना देता है। अच्छा। ऐसा है तो हमारा पड़ गया ये नाव आएगी वेजेस। तो दोस्तों हम ना बस इसी चीज से दुखी हैं, स्पेशल स्पेशल बोलते हैं लेकिन बताते नहीं है क्या स्पेशल। वेजिस में कैरेट आ गया, दिस इज कैप्सिकम, हरियाली हमारे भारत की, एंड ये मटर जो कि और कोई भी नहीं डालेगा हमारे सिवा इधर। एंड अब ये बन जाएगी बाहर वाली मैगी, पहले तो ये बाहर वाली मैगी है पर अब बन जाएगी भारत वाली मैगी, क्योंकि भारत के पानी में पड़ चुकी है और भारत की हरियाली में मिल चुकी है। जैसे कि आप जानते हो भारत में बाहर के लोग आते हैं तो भारत के हो जाते हैं, ऐसे भारत हमारा ऐसा है, तो ऐसे ही बाहर की मैगी भी हम भारत की मैगी बना देते हैं। सो नाउ हमारी मैगी पड़ चुकी है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो अब आपको हम सीधा आउटकम दिखाते हैं। सो अब आ जाएगी हमारी मैगी का मसाला, पहले तो मैजिक मसाला ऑलरेडी पड़ चुका है, अब आएगा मैगी का मसाला। तो ये भी हमने डाल दिया, ओ वाओ क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, हमें तो सच्ची में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और एक तो हम ये भी सोचते हैं कि अगर आप इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाते हो तो आपका खाने का तो मन करता होगा जब जब बनती होगी। एक्चुअली बहुत, लेकिन हम डेली नहीं खाते, हम सोचते हैं कि डेली खाएं, यही खाएं। और अभी न्यूट्रिशन वीक भी चल रहा है जैसे कि आपको पता है, तो पर वेजेस तो हम बहुत अच्छे से कस्टमर्स को दे रहे हैं डाल के। एंड जैसे कि आपको पता है कि चीज़ या तो लोग अंदर सिर्फ डालते हैं या तो सिर्फ बाहर, हम अंदर बाहर दोनों ही चीज़ डालते हैं। ओके। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ODS का रेस्टोरेंट है भाई ये। हाँ जी ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बड़ा सा रेस्टोरेंट हो जाएगा ये कुछ ही टाइम में। दोस्तों रेट है बहुत रीजनेबल भाई, 65 रुपए में आपको कुल्लड़ भी मिल रहा है, चीज भी वेजीज भी, तो यार इट्स रियली गुड एंड रियली हाइजीनिक भी है। हम बहुत एवरेज प्राइस में दे रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज कुल्लड़ में आपको पता है प्राइस डबल हो जाता है। एंड अब सिर्फ अंदर ही अंदर पड़ी थी, अब तो आएगी चीज हमारी बाहर भी, ऊपर भी देते, क्या बात है। तो प्रेजेंटेशन तो अच्छी है ही, बाकी टेस्ट हमें लग रहा है फिर हम बताएंगे। और ये देखो वुडन स्पून भी है भाई, प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, तो यार ये क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। आपने हाफ प्लेट जैसा कि राजमा चावल, बिल्कुल हाफ प्लेट राजमा चावल लेते हैं दोस्तों, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। आज आपको 25 में कहाँ खाना मिलता है बाहर, बस 25 रुपए में आप हाफ प्लेट दे रहे हो। हाँ जी,
भाई ये तो ना बस खुदा की रहमत है, इसी में लोगों का पेट भर जाता है। बिल्कुल मैम, 25 रुपए में आज के टाइम में राजमा चावल कहीं नहीं मिलते। ये सर ओडीएस में हर चीज रीजनेबल प्राइस में और आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि हम हाइजीन एंड क्वालिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और ये लीजिए दोस्तों, आपको एक बार राजमा तो दिखाएं। राजमा ये देखो भाई, राजमा है, पतले राजमा नहीं है भाई। हाँ ये देखो दोस्तों, पतले राजमा नहीं है कि पानी पानी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। तो यार आप पीसेस भी देख सकते हो भाई, राजमा के काफी अच्छे हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। 25 रुपए में भाई पेट भर जाए तो और क्या ही चाहिए इंसान को। आजकल तो छोले कुलचे भी नहीं मिल रहे 25 रुपए में, ये तो राजमा चावल मिल रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो यार मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत ही लाजवाब है। और दोस्तों आप देखो यहाँ पर कोई प्लास्टिक यूज नहीं है, कुछ नहीं है। आपको शुद्ध या तो कुल्हड़ में आप मैगी खाओ या स्टील के प्लेट में आप अपने राजमा चावल एंजॉय करो। तो दोस्तों अनियन ऑप्शनल, आपको लेने ले लेना, तो हम इसमें अनियन ले लेते हैं। और स्टील का स्पून भी दोस्तों स्टील का ही है। तो चलिए यार अब हम आपको टेस्टिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों अपने दोनों टेस्ट रेडी, हमने आपको मेकिंग वगैरह तो सब दिखाई दी, अब कुल्हड़ का टेस्ट वो भी चीज के साथ वो दिखाना तो रह गया भाई, वो तो हम जरूर बताएंगे। और साथ में यार वुडन स्पून मिल रहा है और रेट सिर्फ 65 रुपीज भाई, नहीं मिलेगी कहीं और। तो यार एक स्टॉप बनता है, हमने थोड़ा सा चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं आपके लिए। चीज़ भी ले ली, वेजीज भी आ गए और अपनी स्वादिष्ट सी मैगी भी आ गई। स्ट्रेट साइड में दिस इज द बेस्ट मैगी आई हैव एवर ईटन, नहीं मिलेगी भाई। दो दो इन्होंने ऊपर भी देखो आप, अच्छी खासी क्वांटिटी है दोस्तों चीज़ की। मसाला आपको दिख जाएगा, इनका स्पेशल मसाला भी डाले इन्होंने और साथ साथ भाई मैगी मसाला भी डाले। तो दोस्तों टेस्ट तो यार बहुत ही लाजवाब है, एक बाइट और लेंगे ज़रूर हम। एक स्टॉप ओडीस पे दोस्तों ज़रूर बनता है राजमा चावल भी। और अब हम खाएंगे दोस्तों राजमा चावल, आप क्वांटिटी देख लो पहले और राजमा भी देख लो कितने मोटे हैं। प्याज भी मिले सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में, नहीं मिलेंगे भाई 25 रुपये में। आज के टाइम में आपको क्वार्टर मिल रहा है, 40 रुपये में फुल मिलते हैं, लेकिन यहाँ 25 रुपये में फुल आपको हाफ प्लेट मिल रही है। तो यार इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल, खाते हैं अभी। घर जैसा स्वाद 25 रुपये में बाहर मिल जाए तो दोस्तों कहने की नीड ही नहीं पड़ती भाई। और सिटिंग देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए हैं इन्होंने, देखो आप आराम से बैठिए, पूरी होमली फील लीजिए और इनके स्वादिष्ट जायके का लाभ उठाइए। अगर आपके मुंह में ये सब देख के पानी ना आए तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट दैट बिग टाइम फूडी और हम है बिग टाइम फूडी। और हम भाई ज़रूर टेस्ट कर रहे हैं, पूरा खाएंगे और दोबारा आएंगे। आपका मन करे तो भाई आप भी आओ ओडीस फैकल्टी ऑफ लॉ के कॉलेज के सामने। शुक्रिया।